आदि पर आदि मारकर बैठना, जिसे योग की भाषा में सुखासन भी कहा जाता है। ये योग में सबसे आसान आसन है और बहुत कारगर भी। लेकिन आज के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से लोग सुखासन में यानी आलती पालती मार कर बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो काउच पर बैठते हैं या फिर अपनी चेयर्स पर। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज का ये सेशन खास तौर पर उन एक्सरसाइजेस के लिए जो एक्सरसाइज आपको सुखासन में बैठने के लिए फिर से फ्लेक्सिबल बनाएंगे। लेकिन सुखासन में कैसे बैठना है उससे पहले ये जान लीजिए कि सुखासन आपके लिए कितना लाभकारी है। सबसे पहले तो सुखासन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बड़ा कारगर है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। दूसरा, ये आपकी टांगों, आपके टखने और आपके हिप जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग और काफ्स बेहद टाइट हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी ये आपकी मदद कर सकता है। सुखासन से आपका पोस्चर भी बेहतर बनता है। सुखासन आपके मेडिटेशन को भी आसान बनाता है। इसी के साथ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अच्छी मसाज भी करता है। तो अब जब आप सुखासन के बेनिफिट्स जान गए हैं तो चलिए सीखते हैं कि सुखासन की फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए वो कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं यानी कि माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो एल शेप यानी दंडासन में बैठ जाएं, उसके बाद एक पैर का घुटना मोड़ लें और उसे दूसरे थाई पर रख दें। अब आपको धीरे धीरे प्रेस करते हुए इस घुटने को नीचे लेकर जाना है। जब नीचे जाएं तो एक्सहेल करें यानी सांस छोड़ें, जब ऊपर आएं तो सांस लें यानी इनहेल करें। शुरुआत में हो सकता है कि आप इतना नीचे जा ही नहीं सके, कोई बात नहीं, आप इतना भी नीचे जाएंगे तो भी काफी है। बस इसे कॉन्टिन्यूसली करते रहें, अपने रूटीन में शामिल करें। दस से पंद्रह बार करने के बाद आपको पैर बदल लेना है। ध्यान रखें कि इस दौरान आपको पोस्चर सीधा रखना है, आपको किसी भी जगह से टिल्ट नहीं होना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको आपकी लेग के हाफ पोर्शन को बेबी की तरह होल्ड करना है। अगर आप इसे करने में समर्थ नहीं है तो आप इसे दोनों छोर से भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इसे राइट और लेफ्ट साइड मूव करना है। ये एक्सरसाइज आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, साथ ही साथ इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा राइट और लेफ्ट जाना आपका गोल नहीं है, आपका गोल है यहाँ अपने जॉइंट्स में मूवमेंट लाना। कमर सीधी रखें, चेस्ट खुला हुआ, बैक को हंच ना करें। 10 से 15 बार करने के बाद आप फिर अपने टांग को बदल लें। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते उनका इस पोजीशन में बैठना भी मुश्किल हो सकता है। आप चाहें तो अपने पैरों को इस तरीके से फैला कर भी बैठ सकते हैं और इसे कर सकते हैं। हिप ओपनिंग के लिए मालासन यानी गार्लैंड पोज भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। आपको पैरों को इस तरीके से खोल लेना है, आपके घुटने मुड़े हुए रहेंगे, आप नमस्कार की पोजीशन बनाएं और घुटनियों से अंदर की तरफ, घुटनों के अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है और अपने जॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा खोलना है। ध्यान रखिए इस दौरान बहुत से लोग अपनी एड़ियां उठा लेते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, ये सही नहीं है। हो सकता है शुरुआत में आप अपनी एड़ियां उठा लें लेकिन कमर को सीधा रखने की कोशिश करें और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आप चाहें तो अपने पोस्चर को और भी डीप करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए राइट और लेफ्ट साइड हल्का फुल्का मूवमेंट भी दे सकते हैं। जब
जब आपको लगे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो पूरी तरीके से सुखासन नहीं बल्कि अपने पैरों को इस तरीके से स्प्रेड करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों को जेनिटल्स के पास लाने की कोशिश करें और इस तरीके से बैठने की कोशिश करें। हो सकता है कि शुरुआत में आपके घुटने इस तरीके से उठे हुए रहें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन्हें नीचे प्रेस करने की कोशिश करें। नीचे प्रेस करें, काउंट करें 3 2 1, फिर छोड़ दें। फिर नीचे प्रेस करें, काउंट करें 3 2 1 और फिर छोड़ दें। फिर से 3 2 1 और फिर छोड़ दें। इसके बाद जब आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तब आप अच्छे तरीके से सुखासन में बैठ पाएंगे। दोस्तों, सुखासन में बैठने के लिए यकीनन ये एक्सरसाइजेस बड़ी कारगर है, लेकिन कुछ ही देर की एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देगी। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो कोशिश करें कि आप नीचे बैठना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठकर खाना खाएं, या फिर अगर आप अपने डेली रूटीन के काम नीचे बैठकर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। कोशिश करें कि आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकें। स्क्वैट्स में बैठना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को देखकर बोलेंगे तो क्या हो गया कि अगर हम सुखासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन हम तो हेल्दी हैं। सोचिए, आपकी बॉडी इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं कि आप आलती पालती मारकर बैठ सके। ये आपकी हेल्थ पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि कितनी कम फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके ऑर्गन्स कितने ज़्यादा असमर्थ हैं वो काम करने के लिए जिसके लिए वो बने हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर इन एक्सरसाइजेस ने आपको रिजल्ट दिया तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप आगे की वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। मैं हूं प्रीति, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसका सलूशन हम ढूंढेंगे योग के माध्यम से। नमस्कार।